अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, हम लोग भी ठीक है। आप लोगों की दुआ से दीजिए आज का ब्लॉग हम लोग ने स्टार्ट ले लिया। फिलहाल जो नहा धो लिया, अच्छे वाले तैयार होकर आ गए और हमारा जरूर बताएगा हम कैसे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं। हम अकेले अच्छे लग रहे हैं। आज हमने व्हाइट सूट पहन लिया है, खाना बनाएंगे। खाना बनाने से पहले जो है मैं पहले सदका देने जाऊंगी और सदका देते हैं और उसके बाद जो है थोड़ा सा और काम है वो करते हैं। फिलहाल तो जो होगा जैसे होगा सब दिखाएंगे, सब शेयर करेंगे, हमारे साथ यूं ही बने रहेगा। इतनी हैवी बोतल, कूलर में पानी नहीं है वो मेरे पास टाइम नहीं है, फटाफट कीमा चढ़ा देते ना। बिस्मिल्लाह। अच्छा मुझे मालूम ही नहीं था खाना बनाना, फिर जो काम बोलोगी ना बाहर के दोबारा कर दूंगी। नमक तुमने अच्छा याद दिला दिया मुझे। चादर इसलिए पहन ली कि फिर वही शाम में फिर मुझे ठंड लगेगी, फिर बुखार हो जाएगा, तो इससे बेहतर शाम में थोड़ी वापस आएंगे। हाँ तो दो मिनट में जाऊंगी मगर थोड़ा सा। यहाँ मैंने आटा लिया है, चीनी लिए और सूजी लिए। ये चूटियाँ होती है ना उनको दूंगी, वो लोग खाएंगी और फिर छिलके मैं यहाँ रख देती हूँ गाड़ी पे। वो भी हम भी तो फेंक सकते थे। क्यों फेंको यार, हम लोग भी लगा सकते। पपीता तो जल्दी हो जाता है यार, हर जगह कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ लगा हुआ है। पपीते, शरीफे, कड़ी पत्ता, हर चीज। बस आ गए हम लोग, अब ढूंढते हैं प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी चूटियाँ। काम मिलेंगे फासले पर डाल दूंगी ना। चलो बस हो गया, चलो चलते हैं। दो मिनट यहाँ बैठते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं, चलते सही। ये डमडम 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 इसको कहते हैं, डमडम प्यारा लग रहा ना। हाँ इसकी कटिंग कितनी अच्छी हुई हुई है। वो बच्चा आपके पीछे पीछे घूम रहा है, कुछ भी नहीं। यहाँ बाकी सब सही है लेकिन बाइकों का शोर बहुत है। तो बस 10 मिनट में हम लोग घर पहुँचते, 10 मिनट बाद हम घर में। बोले मेरी बेटी छुदे छुदे पीता बाल आया, छुटकी आ रही है। गोले का कुछ पता नहीं, खाने दो। मटर छील भी है। बिस्मिल्लाह करके हमने ऑयल डाल दिया, फटाफट बनाएंगे खाना। बिस्मिल्लाह करते जाएंगे, ये चीजें डाल देंगे। सबसे पहले डाल देंगे जीरा, तेल भी अभी गर्म नहीं हुआ। आज हमारे घर में बन रहा है कीमा आलू मटर और वो भी इतना टेस्टी बनाती है ना, यम्मी वाला। हरी प्याज होती तो और मजा आ जाता। अब डाल देंगे प्याज, बिस्मिल्लाह। यहाँ पे जो है अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, और यहाँ हुमा ने मेरे लिए पानी निकाल के रख दिया है। हुमा भी गर्म है, बहुत गर्म है। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर जी हमने मसाले लेने हैं, घर के तमाम मसाले। एक एक दो दो चम्मच जितना आप लोगों को चाहिए उतना डाल दो। बिस्मिल्लाह। डाल देंगे टमाटर, इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी और इसको ढक दूंगी, इस मसाले को पकने दूंगी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ अपने पेट के लिए एक ऑयल। तो जी यहाँ पे जो है मैंने कीमा ऐड कर दिया है। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे हमने डाल दिया मेथी दाना, ठीक है, अजवाइन एक एक चुटकी और एक चुटकी नमक और एक चुटकी है मेरे पास दालचीनी पाउडर, ये हमने पीस के रखा हुआ है। यहाँ पर आ गया हमारे पास जैतून, खालिस जैतून का तेल। बस इतना ही गरम करना है, इससे ज़्यादा नहीं। चलो ये हम इसमें डाल देंगे। अब गरम है, अभी ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको ना थोड़ा सा हाथ चार उंगलियों से डिप करके अच्छे से मसाज करके, जहाँ आपको लग रहा है कि फैट है उस जगह पर अच्छे से रब करके, और सोचो सुबह शावर ले लो। इंशाल्लाह सारा कुछ गायब हो जाएगा। इंशाल्लाह नियत अच्छी होनी है ना, मंजिल खुद आसान हो जाती है। कितना टाइम लगेगा? और बस रोटियाँ सेकने लगी ना, मैंने लगा रोटी बना लूँ, फिर लगा रोटियाँ पहले सेक लेती जो पड़ी हुई ना वो सही है, वो मजे की लगती है। हमने डाल दिया धनिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, वहाँ कलर चेक करो, मजेदार यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी बना। मैंने खाना लगाया टेबल पे, अभी मैंने खाना लगा के हटी हूँ और मेरी एकदम नजर पड़ी हूँ मेरे बच्चा सदके किसी पड़ा सदके, तो मजे से सोते बस सोते ही रहते हैं, बहुत दुनिया के थके हुए लोग। और यहाँ माशाल्लाह हमारी मम्मा तो बहुत प्यारी लग रही है, आई भूख लग रही है, बहुत जबरदस्त भूख लग रही है। और यहाँ मिठाई भी आई हुई है और इसकी भी एक कहानी हो गई आज।
क्या ही मैं बोलूं, अफसोस भी हो रहा है और बस खुशी भी हो रही है। वो आई मैडम और हम घर ना मिले, क्या ही कहने यार। बंदा बता तो देता है, बोलता तो है। इंशाल्लाह अब चक्कर लगाऊंगी फिर ये सारा अफसोस खत्म करके। अम्मी ने बोला मैं यहाँ से एक खा चुकी हूँ और यहाँ पड़े हुए एक हुमा का एक मीरा, माशाल्लाह बहुत टेस्टी यम्मी और मजेदार धुएंदार। ले जी आप लोग भी खाएं, बिस्मिल्लाह करें और हम भी खा के बताते हैं कितने मजे का गर्म है। आलू मटर साथ कीमा, मजा ही आ गया, बाकी मजा ही आ गया। तो जी यहाँ पे हमने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद चले हैं वॉक करने। वॉक भी करना और कुछ सामान भी लेना हमारे घर में। एक ही लाइट नहीं है, इसकी वजह से लाइट नहीं। दो लट्टू चेंज करेंगे हम, ये अंधेरा करते हैं रूम में। अभी आप देखिएगा मैं क्या से क्या बना डालूंगी और इसको आज ही शुरू करेंगे और आज ही एहतताम करेंगे इसका। और लगाएगा कौन? बिजली वाला बुलाना पड़ेगा सुबह। चुई का कल लगाती है, क्या लेकर आऊं है? आप भी कुछ बता दो। जो फुल साइज का था वही लिया। ये जो पीछे अपने दांतों का चेकअप बिल्कुल, और हेयर शैम्पू वहाँ से लेती हूँ, वो यही वाला लेती हूँ, यही है कलर केयर का देख रहा है। यही मेहरून व्हाइट बॉटल है कलर केयर की, ये ऑरेंज जूस निकाल रही, ये ले लो। नीचे से जो सामान लेना था वो हमने ले लिया और अब हम आए ऊपर से लेना। बस अब रह गया साबुन और फेस वॉश, फिर जाएंगे हम लोग घर। बस ना वाइटनिंग ये लेते हैं, हाँ उपटन, और तुम्हारा कुछ डिफरेंट ट्राई करो। मेरे को सोप लेना है एक्निक एट, मुझे एक्निक एट लेना था वो वाला तो मिला नहीं, इसलिए आज मुझे ये लेना पड़ेगा पोस्ट एक्निक। यहाँ से भी शॉपिंग, अब जाएंगे और नहीं जा रहे आगे स्टोर पे जा रहे हैं, दो नहीं है मैंने। ठीक है अब ये मैं बनाऊँगी ना घर जाके, तो फिर आप बताओ कुछ खुआ नहीं रही, पेट तो भरा हुआ है। कह रही मैंने तो चला नहीं जा रहा, मैंने इतना खा लिया इतना खा लिया, यहाँ तक मुझे वॉक करनी है वॉक करनी है। अब यहाँ आई तो कहती है मुझे भूख लग रही है। नहीं भूख नहीं लग रही, सिर्फ खुशबू आ रही है, मैं ये कह रही हूँ। नहीं बिल्कुल भी नहीं, बस अब शैम्पू वो वापस कर दिया क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा था उसका। कंडीशनर ले लिया था स्टोर से, शैम्पू वापस, शैम्पू मैं यहाँ पे। हमी ने ये ढक दिया पहले से ही है, खोले मम्मा कोई नहीं है, बिल्ली नहीं है, नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कितना सारा सामान उठाया हुआ था और ये हमने रास्ते से ली थी पेप्सी। आपके सेवन अप का है। गोले कौन आया है? बैग तो खोल देख रहा है, कोई आया है तितो से मिलने आया है कोई। हम बाहर से इतना थके हुए आए थे और दोनों ही सो गए, जो देर हो गई, ज्यादा टाइम हो गया। हाँ ना लेट नाइट हो गया या, से बताओ। मम्मी दराओ लो अभी, अब तो बहुत ही ठंडी रहती है। मैंने सालन भी गरम कर लिया, गरम हो गया बिल्कुल, और साथ में दो रोटियां भी डाल ली, अभी तक लेटी ही हुई है। यार अच्छा सही है, उठ जाओ आराम से। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, मैं यार ये सारा सामान मैंने ला के रख दिया। ठीक है बस खाना खाओ और शुरू हो जाओ। मुझे उठाया क्यों? मैं खुद सो रही थी, बता तो रही हूँ। हम ये बनाने लगे हैं ये वाले लैंप दूसरे रूम के लिए, लिविंग रूम के लिए। दो बनाऊंगी, दो बहुत टाइम लगता है, मेहनत बहुत है। क्या है? मेरा रोने का दिल चाह रहा है। रो लो, आंखें भरी भी है, नींद सोना है, सोना है तो सो जाओ। नींद के लिए रो रही हूँ, सोने नहीं देते तुम लोग। जब मैं सोती हूँ मुझे उठा के बिठा देते हैं। पहले मुझे उठाया अम्मी ने, कोई नींद के लिए भी रोता है ऐसे? बताओ जरा, बदतमीजी नहीं करो। अब खाओ खाना, मुझे भूख नहीं है। ये ले जाती अब तो आ गया ना, अब तो खा लूंगी ना मैं, यही हाल है इसका। खाते हैं खाना, सोने भी नहीं देते ये लोग, रोने भी नहीं देते। मैं थोड़ा सा रो भी नहीं सकती, कोई बात नहीं। बिस्मिल्लाह करें, हम भी खाना खाते हैं, आप भी खाना खाएं। हुमा भी रुला रही है मेरे को। अलग मैं क्या कर रही हूँ? हंसा के रही हूँ, रुला भी रही हूँ, हंसा भी रही हूँ। हंसाना अलग होता है, रुलाना दोनों काम कर रही है, दोनों पीछे से मुझे गुस्से से देख रही, कहती है अम्मी को बताती हूँ। सुभान, हाँ कह रहे फूफो। हाँ हाँ गूंगी दुनिया। अरे जी मेरा बच्चा, बोला भी सही आगे से। हाँ मेरा बेटा, कहाँ पढ़ा? हाँ फूफो, हाँ हेलो,
ओए सदगे, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? हम थोड़ा अपना काम कर रहे हैं। मैंने कहा चलो थोड़ा आपको भी टाइम दे दिया जाए, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, चलो अल्लाह ताला दुआ करो, अल्लाह मुझे पैसे दे। सबसे पहले तो तुम्हें मैं आईफोन लेके दूं। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल नए से वीडियो कॉल में, नई वीडियो कॉल में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, दुआ में याद रखिएगा। बाय 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 बाय। अच्छा तुम काटो, आधा घंटे तो इसी बात पे लड़ाई होती रहेगी। काटो तुम, काटो तुम, काटो। हम दोनों में से कोई नहीं काटता। मैं काट दूं। उमा कहती है मैं काट दूं। आजा काट दे। अरे अल्लाह नहीं ना, अरे नहीं करना। हम लोगों ने ये काट लिया, बातें करते करते ये भी हमने काट लिया। ये ना इस तरह करके मैं बना रही हूँ लैम्प और बनता है। अच्छा अच्छा, सुभान भी बीच में बातें कर रहा है हमारे साथ लगा हुआ है। अभी तो कॉल बंद नहीं हुई। यहाँ पर आ गई मेरे पास ग्लू। एक तरफ जो है ना सिंपल लगाती हूँ, ठीक है, और एक तरफ जो है ना मैं डिजाइनिंग का लगाऊंगी। वो भी मैं दिखाती हूँ वो कैसे लगाऊंगी। ये देखो, ठीक है, इस तरह करके हमने चार तकरीबन मेरे पास हैं आठ, दो लैंप के आठ। हाँ दो लैंप के हैं, आठ हैं हमारे पास। इस तरह करके पहले जो अंदर वाली साइड हम ऐसे सिंपल चिपकाएंगे। अब ऊपर जितने भी फॉल लगाऊंगी मैं सारी क्रंच करके लगाऊंगी। मैं लगाती हूँ सही होकर मैं दिखाती हूँ, ठीक है। क्या करूं, ये आसानी से नहीं उतरेगी समर बॉन्ड। कैसे हटेगी? मैंने कहा था आप एहतियात से काम लो। और मुझे ब्रश यूज करना चाहिए था, ये देखो। तो जी यहाँ पे हमारा माशाल्लाह जो हम काम कर रहे थे वो तो हो गया। हमने बनाया लैम्प, ठीक है। अभी इस पे थोड़ा और काम करना है। मैंने बड़ा जोर लगाया कि मैं इसको बना लूं, कंप्लीट कर लूं। होल्डर भी मैंने उठा लिया, ताले वाले भी जोड़ने की कोशिश की। हाथ गंदे थे तो वो भी नहीं कर पाई। हर चीज से चिपक रहे हैं हर चीज भी। अब मैं इस हुमा की हेल्प लेनी पड़ी मुझे कि मैं इसको चिपका रही थी तो साथ में पेपर फट रहा है। तो मैंने कहा हुमा तुम थोड़ी मेरी हेल्प करो। तो हुमा ने हेल्प की, थोड़ा सा बड़ा नहीं बन गया हुमा? बल्ब हमारा बड़ा है उस लिहाज से तो सही है। अच्छा लगेगा। हाँ इंशाल्लाह, पूरा रेडी होने दो ना फिर देखेंगे। चलो ठीक है, रेडी होने दो फिर देखेंगे। क्योंकि इसके नीचे जो है ना एक अभी और चीज लगेगी, बेल है वो लगानी, झालर जैसे इस पे झालर लगे तो वैसे इस पे झालर लगाएंगे। हाथों पे ये चिपक चुका है। अभी मुझे मुंह भी धोना है अपना और कंघी वगैरह भी करनी। मैं जिस समझ नहीं मैं इसको कैसे छुटाऊं। ये तो मुझे लगता है ये यहीं रहने दूंगी अभी। अभी मैं कमरे को नहीं समेट रही क्योंकि ये यहीं रहेगा। यहीं से कंटिन्यू करेंगे शाम में सामान लाके। शाम में, दोपहर में मैं अभी आते ही फौरन बना लूंगी वही जो सामान चाहिए। और अगर हाँ वो जाहिर से बोल रहा हूँ, हाँ जो सामान चाहिए सही करी। जितनी भी कोशिश कर ले सामान कम्प्लीट करे नहीं होता। तो थोड़ा बहुत इसका जो सामान है वो लेते हैं, बेल वगैरह लानी है वो लेकर आऊंगी और एक आध चीजें और है वो लेके शाम तक इंशाल्लाह कंप्लीट करूंगी। मगर मैंने कोशिश की थी मैं इसे अभी फाइनल करूं मगर मैं नहीं कर सकी। तो जी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत ज्यादा प्यार सपोर्ट और दुलार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक सरप्राइज भी मिल जाएगा। और अभी तो फिलहाल मैं जो अपने हाथों की ये हटाऊं फिर मैं रेडी होंगी, फ्रेश होती हूं। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, जहां रहे खुश रहे आबाद रहे। अल्लाह ताला आप लोगों की सबकी परेशानियां दूर करे और हमारे लिए भी दुआ करेगा। अल्लाह हमारे घर की भी हर परेशानी को दूर करे। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़। गुड नाइट। गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग। हमारी गुड मॉर्निंग हो जाएगी। गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग हो जाएगी।